तहसीलदार सदर विकास कुमार सिंह की अध्यक्षता में तहसील सदर के सभागार में तहसील समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसके संबंध में तहसील सदर विकास सिंह ने बताया कि तहसील समाधान दिवस में अधिकतर मामले भूमि विवाद, पुलिस से संबंधित और ग्राम सभा के जमीनों पर अवैध अतिक्रमण के आए हैं, जिसको देखते हुए मामलों के निस्तारण के लिए पुलिस व राजस्व की टीम को गठित किया गया है, जो कि मौके पर जाकर मामलों का निस्तारण करेगी। उन्होंने कहा कि तहसील समाधान दिवस काफी कारगर साबित हो रहा है, जिसमें अधिकतर मामलों का निस्तारण किया जा रहा है। इस अवसर पर तहसीलदार विकास कुमार सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुन्नी से बात करते हुए तहसीलदार सदर विकास कुमार ने कहा, समाधान दिवस में ज्यादातर मामले जो हैं वो भूमि विवाद से संबंधित, पुलिस विभाग से संबंधित और कुछ गांव सभा की जमीनों पर अवैध अतिक्रमण से संबंधित मामले संज्ञान में आए हैं। इसके संदर्भ में अधीनस्थों को उचित दिशा निर्देश देते हुए उचित कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया। तहसील समाधान दिवस में जो समस्याएं आती हैं उसका पुलिस विभाग और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम गठित करके प्रभावी उसका निस्तारण किया जाता है और काफ़ी हद तक इसमें समस्याओं का समाधान करने में सहयोग मिलता है। अभी तक तो 10 से 15 तक मामले संज्ञान में आए हैं।